लोग आज आज के इस वीडियो के अंदर हम जो कि प्रॉपर जानेंगे जो कि ट्रू बैलेंस की मदद से आप लोग स्टैंड कैसे लोन ले सकते हैं, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप पूरी 100% आपको प्रोसेस बताएंगे जिससे क्या होगा स्टैंड आप लोग बड़ी आसानी से लोन ले सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट जैसे देख सकते हैं 11 नवंबर का लेटेस्ट अपडेट जो कि यहाँ पर किया गया तो बहुत ही बेस्ट यह लोन एप्लीकेशन है। ट्रू बैलेंस के मदद से आप लोग स्टैंड लाखों रुपए के लोन अमाउंट ले सकते हैं जो कि कैसे लेना है सारा कुछ हम डिटेल में बताएंगे जो कि ट्रू बैलेंस के मदद से आप लोग लोन के एलिजिबल कैसे हो पाते क्या प्रोसेस करना होगा फाइनली जो कि प्रोसेस जो कि जानेंगे जो कि पेपरलेस जो कि प्रॉपर होने वाला है इससे कितना तक के लोन अमाउंट आप सभी लोग ले सकते हैं जो कि यहाँ पर मैं आपको दोस्तों लाखों रुपए के लोन अमाउंट आप लोग स्टैंड जो कि ट्रू बैलेंस की मदद से ले सकते हैं। तो कैसे आपको अप्लाई करना है इसके बारे में फुली हम चर्चा करेंगे तो सुगज इस वीडियो को फाइनली पूरे लास्ट तक आपको देखना होगा। सुगज वीडियो करेंगे शुरू में उससे छोटा सा एक रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर पा रहे होंगे तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथ ही साथ बाजू वाले बेल आइकन घंटी को दबाइएगा ऑल पे आप प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे मैं और न्यू अपडेट लेकर आऊँ तब तक आसानी से पहुँच सके। सुगज चलिए आज का वीडियो फाइनली हम शुरू करते हैं। तो सोगा जैसे देख सकते हो ट्रू बैलेंस का जैसे कि स्टेटस मैं आपको बता देता हूँ लोन अप्लाई करने से पहले यहाँ पर जो कि यहाँ पर लोन आपको दिया जाता है इसका पे करने के लिए जो कि 6 मंथ के लिए आप इसको ईएमआई पे भी कन्वर्ट कर सकते हो जो भी आपको पैसा दिया जाता है। यहाँ पर क्यूक लोन आप सभी को प्रोवाइड करा जाता है। यह जो भी अप्लीकेशन है RBI से रजिस्टर्ड है NBFC यानी RBI से रजिस्टर्ड है जो कि 100% सेफ एंड सिक्योर आपका डाटा रखा जाता है और स्टैंड आप सभी को लोन यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है और जो कि 75 मिलियन जो कि यूजर इस पर ट्रस्ट है यानी विश्वास करते बहुत ही बेस्ट यह एप्लीकेशन है जो कि इंटरेस्ट रेट जैसे देख सकते हैं आपको इंटरेस्ट रेट बहुत ही बेस्ट यह एप्लीकेशन है। इंटरेस्ट रेट भी अदर एप्लीकेशन की तुलना में इसका कम है जैसे कि एग्जाम्पल भी बताया गया जिसे 10,000 आपका लोन अप्रूवल होता है इंटरेस्ट रेट आपको जो कि 5% के हिसाब से आपका इंटरेस्ट पे करने के लिए बोलता है और प्रोसेसिंग भी 3% आपको लगता है प्लस में GST जो कि 18% लगता है। तो सारे एप्लीकेशन में होता है जैसे कि आप लोग देख पाएंगे प्रोसेसिंग और GST टोटल इंक्लूड करके जो कि 354 रुपये आपको टोटल पे करना होता है जो कि इंटरेस्ट 1500 रुपये आपको पे करना होता है। EMI 3833 रुपये आपको रह जाता है। टोटल अमाउंट रीपेमेंट जैसे आप देख सकते हैं 11854 रुपया इंक्लूड प्रोसेसिंग फी GST यानी टोटल आपको 11854 रुपया आपको रीपेमेंट करना होता है। तो आप लोग को स्टैंड यहां पर लोन प्रोवाइड कराया जाता है जैसे कि आपको बता दे तो जो कि RBI से NBFC रजिस्टर्ड यह अप्लीकेशन यहाँ पर बहुत ही बेस्ट है जो कि EMI में इस पैसों का आप रीपेमेंट कर सकते हो जो कि 3 EMI में 3 या 4 EMI जितने दिन के लिए आप एलिजिबल है मैक्सिमम आपको 6 मंथ के लिए EMI पर आपको कन्वर्ट यहाँ पर कराया जाता है जो कि EMI पर आप पैसा जो कि ले सकते हैं। तो गाइस इस एप्लीकेशन को फाइनली आप लोग क्या करेंगे इंस्टॉल कर लेंगे जो कि रेटिंग की बात करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जैसे देख सकते हो 4.3 का इसका रेटिंग भी है। तो आपको क्या करना है ट्रू बैलेंस आपको सिंपली मोबाइल फोन में प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद सिंपल से ओपन करेंगे गाइस जैसे ओपन आप कर लेंगे कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिल जाता है जो कि आई एग्री टू ऑल वाले पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पर जो कि कैलेंडर स्टोरेज सारा डाटा आपका है जो कि एप्लीकेशन के पास एक्सेस रहेगा लेकिन फ्रॉड आपके साथ नहीं होता है क्योंकि ट्रस्ट एप्लीकेशन है RBI से रजिस्टर्ड एप्लीकेशन। यहाँ पर एग्री एंड कंटिन्यू वाले पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं उसके जस्ट नीचे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है गाइज 100% सिक्योर है। यहाँ पर जैसे देख सकते हैं क्रेडिट लिमिट आपको अमाउंट जो कि 5000 से लेकर 50000 तक आपको दिया जाता है। इंटरेस्ट रेट 2.4% के हिसाब से आपको लगता है रीपेमेंट थ्रू जो कि 2 से 6 मंथ आपका रीपेमेंट यहां पर लगता है और प्रोसेसिंग फी जैसे देख सकते हैं 0 to 15% आपको प्रोसेसिंग चार्ज जो कि पे करने के लिए बोलता है गाइज। यहाँ पर देख सकते हैं सारा कुछ यहाँ पर बताया गया है। सिंपल से आपको क्या करना है नेक्स्ट वाले पर आपको क्लिक कर देना है। लैंग्वेज कौन सा रखना चाहते हैं लैंग्वेज जो कि सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपको देन क्या करना है स्टार्ट वाले पर आपको क्लिक कर देना है गाइस। जैसे स्टार्ट वाले पर क्लिक करते हैं तो आपको क्या करना है यहाँ पर एक मोबाइल नंबर फिलफिल करना है उसके जस्ट बाद आपको क्या करना है आगे के प्रोसेस में आ जाना। तो चलिए हम मोबाइल नंबर को फिलफिल करके आगे के प्रोसेस में हम आ जाते हैं। नंबर फिलफिल कर लेंगे उसके बाद क्या होगा कि आपको एक पासवर्ड बनाने के लिए बोलेगा। पासवर्ड जैसे बना लेंगे उसके बाद नेक्स्ट वाले पर आपको सिंपली क्या करना है क्लिक कर देना है। जैसे कि सारा कुछ प्रोसेस कर लेंगे उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। कैश लोन जो कि यहाँ पर देख सकते हो 50,000 तक की कैश लोन आप सभी को यहाँ पर दिया जाता है। यहाँ जैसे कि आपको देख सकते हैं यहाँ पर आपको लोन की रिक्वायरमेंट जैसे आपको 50,000 की लोन की रिक्वायरमेंट है तो आपको सिंपली क्या करना है 50,000 वाले पर आपको सिंपली क्या करना है इस पर क्लिक कर देना है। गाइस जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का प्रोसेसिंग जो कि होगा जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको क्यूक जो कि जिस पर जो कि 3 स्टेप में आपको अप्लाई होगा जो कि कंप्लीट पैन कार्ड और आधार कार्ड का डिटेल देना होगा। आपको लोन ऑफर जो कि किया जाएगा और डिस्पर्सल जो कि फ्यू मिनट में यानी कि 2 मिनट में यह पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो गाइस आपको सिंपली क्या करना है टर्म कंडीशन का आपको एक्सेप्ट कर लेना है ताकि आपको फुली डिटेल देना है। लोन की रिक्वायरमेंट लेना है तो लोन लेना है तो फुली डिटेल आपको अच्छे से देना होगा। उसके बाद जस्ट
नीचे आपको क्या करना है, प्रोसीड वाले पर आपको गाइस सिंपली क्लिक कर देना है। उसके जस्ट बात आता है कि लैंग्वेज कौन सा रखना चाहते हैं, हिंदी इंग्लिश जो भी आपको लैंग्वेज रखना चाहते हैं रख सकते हैं। उसके बाद देन आपको प्रोसीड वाले पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। गाइज यहाँ पर आपको पैन कार्ड का नंबर टाइप करना है, उसके बाद स्कैन करके आपको पैन कार्ड का डिटेल देना है। तो गाइज आपको सिंपली से क्या करना है, पैन कार्ड का यहाँ पर नंबर आपको टाइप कर देना है। पैन कार्ड का नंबर आप टाइप करेंगे, उसके बाद आपको क्या करना होगा, अपना डेट ऑफ बर्थ जो कि टाइप कर देंगे। उसके बाद जैसे भी आपका वेरीफाई हो जाएगा, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। जैसे टाइप करेंगे बस वेरीफाई वाले पर आपको जस्ट आपको क्या करना है, आगे बढ़ने वाले पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हो जो कि देख सकते हैं आपके जो भी नंबर होगा उस नंबर पर OTP जो कि सेंड किया जाएगा, OTP आ चुका है। जैसे कि इस तरह का वेरीफिकेशन लिया जाएगा, KYC सक्सेसफुल डन हो चुका है। यहाँ पर गेट का कैश लोन वाले पर हम सिंपली क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आपको लोन की कितनी लोन की रिक्वायरमेंट है, आप अपने हिसाब से जो कि सिलेक्टेड कर सकते हैं। गाइस आपको जितनी लोन की रिक्वायरमेंट है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हम, क्योंकि यहाँ पर 50,000 की लोन की रिक्वायरमेंट हम जो कि टाइप कर सकते हैं। मंथली इंटरेस्ट 2.4 का मंथली इंटरेस्ट हमको बोल रहा है पे करने के लिए। गाइस यहाँ पर जैसे देख सकते हैं आप लोगों को जो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड EMI का भी सारा कुछ डिटेल यहाँ पर दिया गया है। जस्ट आपको क्या करना है, नीचे आपको इंटर वाले पर आपको क्लिक करना है। जैसे इंटर वाले पर हम क्लिक कर दो, कुछ इस तरह का प्रोसेसिंग जैसे लिया जाएगा, जो कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जैसे कि हमको कितना करना है, 20,626 रुपया, सेकेंड हमको 20,626, और थर्ड जो कि 3 मंथ में हमें इसे पे करने के लिए। अगर अब मैं आपको अगर ज़्यादा आपको लग रहा है तो आप मिनिमम कम से कम 10,000 भी लोन ले सकते हैं। अगर 20,000 का भी लोन लेना चाहते हो तो 20,000 भी ले सकते हैं। 20,000 वाले पर क्लिक करके इंटर करके देख सकते हैं यहाँ पर आपको कितना पे करने के बोल रहा है। तो गाइस 20,000 लोन लेते हैं और 3 मंथ में आपको जो कि 4,000 रुपया करीबन में आपको एक्स्ट्रा पे करने के लिए बोल रहा है, जो कि 4 महीने में। तो आपको सिंपली क्या करना है, 20,000 वाले पर आपको सिंपली अगर जितना लोन की रिक्वायरमेंट आप देखकर नेक्स्ट वाले पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। गाइस जैसे नेक्स्ट वाले पर क्लिक कर दो, कुछ इस तरह का प्रोसेसिंग आपके बीच होगा। उसके बाद आपको फ्रेंडली किस पर्पज़ से आप लोन लेना चाहते हैं, बिजनेस पर्सन सैलरी तो आप अपने बिजनेस को जो कि सिलेक्टेड कर लेंगे, सिंगल या मैरिज आप अपने हिसाब से जो कि सिलेक्टेड कर लेंगे। क्वालिफिकेशन आपका क्या है आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। उसके बाद सेल्फ ओनर है या रेंटर है, जो भी आपका घर है या बिजनेस है तो सेल्फ है और रेंटर है, जो आप अपने हिसाब से सिलेक्टेड कर लेंगे। मैं सेल्फ ओनर वाले पर क्लिक करता हूँ, आपको सेल्फ एम्प्लॉयड आपको सिलेक्टेड कर लेना है। और आपको क्या करना है, रेगुलर है या कॉन्ट्रैक्ट बेसल पर है, रेगुलर वाले पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। उसका जस्ट आपको कितने दिन से कर रहे हैं तो आपको जो कि 3 to 5 से आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। गाइस यहाँ पर आपको क्या करना है, जो कि कंपनी आपका जो भी शॉप का नेम है, शॉप का नाम टाइप करेंगे। शॉप का नाम टाइप करने के बाद जैसे कि आपको नेक्स्ट वाले पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए हम जो कि फाइनली टाइप कर देते हैं, शॉप का नाम है टाइप करेंगे, नेक्स्ट वाले पर क्लिक कर दे। किस तरह का आपका है जो कि आप अपने हिसाब से देख लेंगे, तो आपको जो भी आप जिस टाइप का आपका है अपने हिसाब शॉप जो भी आप काम करते किस तरह का आप कर लेंगे जो कि सिलेक्टेड कर लेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको जो कि रिटेलर वाले पर सिंपली क्लिक करता हूँ, इसी हिसाब से होगा। तो चलिए मैं सेल्स मार्केटिंग एजेंट जैसे शॉप ऑनर वाले पर हम सिंपली क्लिक करते थे। गाइस यहाँ पर बताया जाता है कि आपको कितने लोन की जो कि इनकम कितने मंथली इनकम कितने कमाते थे। चलिए हम जो कि 35,000 पर मंथ के हिसाब से देते, टर्म कंडीशन एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वाले पर हम सिंपली क्लिक कर देते। गाइस यहाँ पर मंथली इनकम आपको पूछ रहा है कि आप कितने जो कि आपको रिसीव योर मंथली इनकम की किस तारीख को होता है, आप अपने हिसाब से डेट जो कि सिलेक्टेड कर लेंगे। तो हम फोर्थ को सिलेक्टेड कर लेंगे। आपको बताया जाता है कि बैंक में आपका पैसा आता है, चेक मिलता है या कैश, तो हम बैंक अकाउंट जो कि सिलेक्टेड कर लेंगे। यहाँ पर सारा कुछ आपको प्रोजेक्ट फाइनली हो चुका है, यहाँ पर जैसे देख सकते हैं फाइनली आपका लोन सम्मिट हो चुका है। तो आप लोग बड़ी आसानी से स्टैंड इस तरह से लोन आपको ले सकते हैं। यहाँ पर सारा कुछ डिटेल आपका लोन कैलकुलेटर में जो कि चला जाएगा, आपका लोन अप्रूवल भी हो जाता है। यहाँ से स्टैंड आप लोग ट्रू बैलेंस की मदद से आप लोग लोन ले सकते हैं। यहाँ पर मेरा लोन फाइनली अप्रूवल भी हो चुका है, जैसे आप लोग देख सकते हैं मेरा लोन अप्लाई भी हो चुका है और हम लोग बड़ी आसानी से लोन यहाँ पर ट्रू बैलेंस की मदद से ले सकते हैं। यहाँ पर अप्रूवल में चल चुका है। तो गाइस मेरा इन्फॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन कर बताएगा। इस तरह से ट्रू बैलेंस की मदद से स्टैंड आप लोग लोन ले सकते हैं। तो सो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में किसी अदर जानकारी के साथ। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।